शख्स को वीज़ा चाहिए हो तो उसकी तो मेरे ख्याल 10 पुश्तों तक की इंक्वायरी होती है। आपके मुल्क में किसी ने आना हो तो उसको शायद नाम भी नहीं उसका सही पूछा जाता, बाद में रेमंड डेविस कह दिया जाता है, उसका सही नाम भी नहीं लोगों पर सही नाम भी नहीं पता होता, जो एक्चुअल नेम है वो भी नहीं जाहिर होता। बिल्कुल ठीक। वो आपके बंदों को मार दे और वो साबित भी हो, सब कुछ हो, उसके बावजूद उसको जनाब खैर आफियत से वापस। आपकी बेटी के ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम है, सबूत नहीं है, वो फिर भी 86 बरस की सज़ा उसको दी जा रही है। तो मैंने कहा ना, हम लोग एक तो ये कि ये जो चंद अफराद मरूब हैं ये पूरी कौम को डबो रहे हैं, इनको किसने मालिक बनाया है हमारी जानो माल इज्जत आबरू का? अगर मैंडेट दिया है तो मैंडेट का मतलब ये तो नहीं कि हमारे ज़मीर का सौदा करें, हरगिज़ नहीं, हमारे मुल्क का सौदा करें, हमारे ईमान का सौदा करें। हम मुसलमान हैं और फ़ख्र से कहते हैं मुसलमान हैं, हमें अपनी मुसलमानी पे शर्म नहीं। हम पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम पाकिस्तानी हैं, ये मुल्क हमें रब ने दिया है। हम एशियाई हैं, हमें वो काला कहें, हमें वो जैसा मर्जी कहें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उनसे बेहतर इल्मी ईमानी सरमाया है, अखलाकी सरमाया है। उनके यहाँ तो दिवालिया हो चुका है, वो सिर्फ ठीक है उनके पास दुनिया का इस वक्त, वो भी हमारे ही पैसे, हमारा ही दिमाग। सही। अगर हम देखें, हमने ही उनको सिखाया, लेकिन अब हम हो गए मरूब, हमने इल्म से नाता तोड़ लिया, हमने अपने मोहसिनों से नाता तोड़ लिया, हम खेल कूद में और बुराइयों में पड़ गए, उसकी सज़ा हम पा रहे हैं। ठीक सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और आप इस गुफ्तगू में कोई गलती हुई हो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, फिर यही कहूँगा। आज जुम्मतुल वदा भी हो गया, पता नहीं एक दिन या दो दिन हो सके तो रब को राजी कर लें। आमीन सुमा आमीन। लाहौर में इफ्तार का वक्त 6:46 है हतीन रात, और दिल पे दस्तक भी दे, खुश दिली से दरवाज़ा खोलें। एक सुप्रीम ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। छा गया नूर रमजान।